नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदुल चंदेल। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से विकराल रूप धारण कर रहा है। यहां लगातार भारी संख्या में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं आए दिन बड़े मंत्रियों और नेताओं का इस वायरस की चपेट में आने का सिलसिला जारी है। वहीं अब राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। गोपाल राय ने खुद ट्वीट कर ये जानकारी दी। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। दरअसल गोपाल राय ने ट्वीट कर लिखा कि शुरुआती लक्षणों के बाद मैंने कोरोना टेस्ट करवाया था, जिसकी रिपोर्ट अब पॉजिटिव आई है। पिछले कुछ दिनों में जो लोग भी मेरे संपर्क में आए हैं, वो अपना ध्यान रखें और टेस्ट करवाएं। राय की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। गौरतलब है कि दिल्ली में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 5,246 नए केस सामने आए हैं। इसी के साथ दिल्ली में कोरोना के 5,45,787 मामले हो गए हैं। अब तक 8,720 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 24 घंटे में 5,361 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक कुल 4,88,780 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और 99 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में 5 दिन बाद 100 से कम लोगों की मौत दर्ज हुई है। इससे पहले 19 नवंबर को 88 लोग कोरोना के कारण दम तोड़ चुके थे। वहीं 20 से 24 नवंबर तक हर रोज 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।